आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण जो है उससे शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा का नाम है बेटा, ठीक है, जो कि हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। और उससे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है, ठीक है, भाषा क्या होती है। भाषा के द्वारा मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ और भाषा के द्वारा ही आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर परिभाषा की हम बात करें तो बेटा भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, आदान होता है लेना और प्रदान होता है देना, ठीक है। हम अपनी बात भाषा के द्वारा ही दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें क्या बोलना है, हम क्या बोलना चाहते हैं। और भाषा के द्वारा ही अगला व्यक्ति हमें अपनी बात बता पाता है। तो विचारों का, अपनी फीलिंग्स का, थॉट्स का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बेटा? भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं, ठीक है। और हिंदी क्या है? एक भाषा। हिंदी क्या है? एक भाषा। हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमें जानना है हिंदी क्या है? एक भाषा। और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हैं? इंग्लिश है, संस्कृत है, जर्मन है, फ्रेंच है, ठीक है। अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। तो भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मैं बोलकर आपको बता रही हूँ और आप सुनकर मेरी बात को समझ रहे हैं। ये जो है वो भाषा का मौखिक रूप है, बोलकर, मुख के द्वारा बोलकर बताना, ठीक है, और सुनकर समझना, जिसको हम ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, मैंने ब्लैकबोर्ड पे भाषा के बारे में लिखा है कि भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। ये बेटा भाषा का लिखित रूप है। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित, जिसको रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक अन्य भेद और होता है जिसको हम सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, ठीक है, जिसको ट्रैफिक पुलिस भी यूज करते हैं, ठीक है। क्लास में जब मैम नहीं होती, पीरियड्स चेंज होते हैं, उस वक्त जब बच्चे शोर कर रहे हैं और अचानक से मैम आती है और एक बच्चा देख लेता है कि मैम दूर से आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों के सामने खड़े होकर करते हैं। ये भी भाषा का सांकेतिक रूप है, ठीक है, जिसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। अब हमें जानना है कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बेटा ग्रामर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम, हिंदी जो है एक भाषा है और सभी भाषाओं के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करवाने वाला साधन है। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त, ठीक है, कि ये जो हम बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध का अर्थ होता सही और अशुद्ध का अर्थ होता गलत, कि जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सही है या गलत, इसका नॉलेज जो है वो हमें ग्रामर, व्याकरण के द्वारा ही होता है। तो व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के सही या गलत रूप का जो है पता चलता है। उसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो भी भाषा बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, वो सही है या गलत, इसका नॉलेज कराने वाला साधन जो है वो व्याकरण कहलाता है। उसकी बात है हिंदी। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी हम पहले भी पढ़ चुके कि हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र का अर्थ होता है बेटा देश। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? देश, पूरे देश में बोले। और देश, हमारे भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं, ठीक है, और ये भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ये एक राष्ट्रभाषा है, पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा। भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने के लिए जिन चीजों का, जिस ढंग या तरीके का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाता है बेटा, जिसको इंग्लिश में हम स्क्रिप्ट बोलते हैं और हिंदी में लिपि। जैसे अनेक भाषाएं पूरे विश्व में, देशों में और राज्यों में
ये गोल जो चिन्ह बनाया है इस आकृति को हम ए कहते हैं, ये क्या है लिपि। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, और उसके अलावा संस्कृत जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसी कारण आप जो लोग हिंदी जानते हैं वो संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है उसका ज्यादा मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन दोनों की लिपि एक जैसी होने के कारण जो है वो हम उसे भी पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा को लिखने वाले चिन्ह लिपि कहलाए। और उसके बाद में है वर्ण। वर्ण क्या होता है? जब हम किसी भी भाषा को सीखना शुरू करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम उसके वर्ण अल्फाबेट्स के बारे में जानते हैं हम। इसी कारण नर्सरी क्लास में हमने अ से अनार और क से कबूतर पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले। और इंग्लिश की बात करें तो ए फॉर एप्पल, ठीक है, और बी फॉर बॉल या एफ फॉर एरोप्लेन, इस तरीके से हमने पढ़ा। ये क्या है? अल्फाबेट्स। इन्हीं को हिंदी में वर्ण बोलते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। इसी कारण सबसे पहले हम अपनी भाषा की शुरुआत किससे करते हैं? वर्णों से करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पार्ट जो है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं बेटा, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में जिनको हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब है बेटा मात्राएं। मात्राएं क्या होती है? व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर चिन्हों को ही क्या कहलाते हैं? मात्रा। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। जैसे ये है क,